hello everyone welcome to abhimanyu IS. i am munesh kumari senior faculty and chief mentor of cset at abhimanyu IS. and when you are preparing for upsc civil services in that case the first thing which comes in our mind ki prepare kaise karna hai? upsc exam ke liye syllabus kya rahega? so syllabus plays a critical role in your exam preparation so in this video i will uh, discuss the syllabus of your prelims exams

Preliminary exam, and when you clear this, then you will go for the second stage that is mains. And after clearing the mains, you will go for the third stage, final stage that is your personality test or your interview. Okay, yes. Now, first of all, we will discuss the preliminary exam. Okay, yes. When you talk about uh, preliminary exam, in that case, there are two papers in prelims that is. जर्नल एबिलिटी टेस्ट देखो दो पेपर होंगे फर्स्ट इज जर्नरल एबिलिटी टेस्ट ओके देन द सेकेंड इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट ओके अब ये दोनों जो पेपर हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट इनका हम कह रहे हैं जनरल स्टडीज पेपर वन एंड पेपर टू बोथ आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स की आपके पास में फोर ऑप्शन होंगे एंड यू हैव टू सेलेक्ट द वन ओके तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ये होगा और दोनों जो पेपर हैं दे आर ऑफ टू हंड्रेड मार्क्स टू हंड्रेड मार्क्स के पेपर हैं एंड द टाइम ड्यूरेशन विल बी टू आवर्स ओके जब हम बात करें फर्स्ट पेपर की जनरल स्टडीज इन दिस पेपर यू हैव ऑल योर जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स लाइक योर है हिस्ट्री ज्योग्राफी एनवायरमेंट करंट ऑल दिस टॉपिक्स विल बी कवर इन दिस पार्ट ओके यू हैव टोटल हंड्रेड क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ टू मार्क्स और टोटल विल बी टू हंड्रेड मार्क्स डन एंड इन द सेकेंड पेपर सेकेंड पेपर यू हैव एट्टी क्वेश्चन इज ऑफ टू पॉइंट फाइव मार्क्स तो टोटल विल बी टू हंड्रेड मार्क्स ओके तो इस तरह से आपका जो प्रिलिम्स का पेपर है प्रस का पेपर है उसके अंदर दो पेपर आपको क्लियर करने एंड बोथ दीज पेपर है इंपॉर्टेंस अभी हमारे माइंड में आता है कि जो जर्नल स्टडीज पेपर टू है जो पेपर टू है उसके अंदर आपका जो दोनों पेपर के अंदर क्या है नेगेटिव मार्किंग रहेगी वन थर्ड मार्किंग वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है ओके okay? अब इसके अंदर आपके जो जर्नल स्टडीज पेपर वन है इसके अंदर आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होगा कि आपका पेपर की कट ऑफ क्या गई है आपने कैसे क्वालिफाई करना है okay? ओके जितनी भी कट ऑफ जाएगी आपको उससे ज्यादा नंबर लेने डन एंड इन केस ऑफ जर्नल स्टडीज पेपर टू दैट इज सी सेट इसके अंदर क्या है आपको ये जस्ट क्वालिफाई कर, करना क्वालिफाई करना दैट मीन्स नीड टू जो थर्टी थ्री टू हंड्रेड मार्क्स का पेपर एंड आउट ऑफ टू हंड्रेड यू हैव टू टेकटी सिक्स पॉइंट सेवन और यू कैन से मुझे सिक्सटी सेवन मार्क्स लेने हैं किस लिए सी सेट के पेपर को क्लियर करने के लिए अब जब हम बात करते सी सेट के पेपर की तो माइंड में यही आता है कि यार थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स लेने हैं इजिली हम ले लेंगे बट जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि जो 33 परसेंट मार्क्स लेने हैं दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो सिर्फ सी सेट जिनका जीएस पेपर है वन है दैट इज क्लियर बट क्या है कि सी सेट की वजह से उनका वन ईयर फोल हो गया ओके okay? बट हमने नेगेटिविटी माइंड में नहीं लेके आनी है फर्स्ट ऑफ ऑल वी वी चेक यस क्या आएगा सी सेट के एग्जाम के अंदर चेक करते वट इज सिलेबस फॉर द सी एग्जाम इन सी सेट एग्जाम के के अंदर आपका जो पेपर है दैट विल कम्प्राइज ऑफ दिस थ्री सेक्शंस यस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश ओके जब हम बात करते क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यू हैव एप्टीट्यूड ओके यू आल्सो हैव लॉजिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यू हैव आल्सो गेट द डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सो डिटेल एक बार सिलेबस चेक करते हैं डिटेल में कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है ओके okay? तो अब देखिए यहां पे सबसे पहले आ जाता है आपके पास में नंबर सिस्टम यस नंबर सिस्टम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सी सेट एग्जाम जिकल रीजनिंग इंग्लिश सभी में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिस्टम बिकॉज जो सिलेबस है जो पी डी एफ है उसमें भी जस्ट क्या लिखा हुआ बेसिक न्यूमरेसी बेसिक न्यूमरेसी दैट मीन्स ज्यादातर क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में से आने देन एल सी एम एच सी एफ देन सिंप्लीफिकेशन अगर हम बात करते सिंप्लीफिकेशन के इन दैट के सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको कैलकुलेटिव uh, क्वेश्चन नहीं करने हैं यू विल डू ओनली वर्ड प्रॉब्लम्स ओके वर्ड प्रॉब्लम्स हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन की एंड विल गेट सेवन टू एट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ओके यस देन एवरेज रेश प्रपोर्शन प्रॉब्लम ऑन एजिस पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट देन परमोटेशन कॉम्बिनेशन यस कॉम्बिनेशन एंड ज्योमेट्री इसमें से भी एग्जाम के अंदर वन या टू क्वेश्चन आपको मिलता है देखने के लिए ठीक है परसेंटेज टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नंबर सीरीज मिक्सचर एंड एलिगेशन डाटा सफिशियंसी डाटा इंटरप्रिटेशन दिस इज सिलेबस अब बात आती है क्या हमें पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है हाँ जी क्या मुझे क्वांट का पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना पूरा लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर करना तो वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बिकॉज हमें पता है कि क्या है क्वालिफाइंग नेचर क्या है ओके दैट मीन्स कि मुझे इस तरह से प्रिपेयर करना है कि मेरा इजिली क्वालिफाई हो जाए एग्जाम ओके अगर मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कही मैथ्स के अंदर मैं थोड़ा वीक हूँ थोड़ी वीक हूँ फिर भी मेरा मैथ्स वाला जो सेक्शन है वो मैं इजीली क्वालिफाई कर लूँ तो उसके लिए आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर फोकस करना है यस नंबर सिस्टम देन सिंप्लीफिकेशन देन आपका आ गया एवरेज रेशन प्रोपोर्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन परसेंटेज ओके नंबर सीरीज एंड देन डाटा सफिशियंसी दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इनको आपने सभी को अच्छे से कर लेना है इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है इन दैट केस दिस टॉपिक्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस ओके अब जो आप स्किप कर सकते हो अगर आपके माइंड में आता है कि हाँ जी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें से एक या दो क्वेश्चन कभी रेयरली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ठीक है तो उस केस के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इसको आप स्किप कर सकते हो बिकॉज रेयरली कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ था सिंपल इंटरेस्ट ओनली ओके सेम वे पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलते सो यू कैन स्किप ऑल दीज टॉपिक्स ओके यस नाउ डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने क्या करना है जस्ट आप कर लो, from, uh, okay? अभी 1 2 ही आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो इसलिए आप इस वाले पार्ट के जस्ट कंसेप्ट आप देख लो कि अगर क्वेश्चन आता है तो हम कर लेंगे बट यस yes, जो जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताया है ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको आपने अच्छे से कर लेना नाउ कम ऑन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन यस लॉजिकल रीजनिंग द सिलेबस कंप्राइज ऑफ ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड लॉजिकल अल्फाबेट, देन क्लॉक एंड कैलेंडर सिलोजियम वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर एंड रैंकिंग अगेन इंपॉर्टेंट ओके सीटिंग अरेंजमेंट पजल अगेन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अर्थमैटिक रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रीजनिंग अब जब हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग में क्या आता है दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड यू कैन से स्टेटमेंट एंड एज्शन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ओके स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन ओके आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं दे आर इन क्रिटिकल रीजनिंग बट अगर अभी हम दो तीन साल का पैटर्न चेक करते हैं तो अभी डायरेक्टली स्टेटमेंट पे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे ये जो जिस ये वाली जो टाइप है लाइक एजम्पन एंड कंक्लूजन आपके पास में हो गया कोर्स ऑफ एक्शन ये इस तरह के जो क्वेश्चन है, दे आर कम्स इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन आई विल डिस्कस ओके यस उसके बाद आ गया जैसे काउंटिंग फिगर देन एनालॉगी क्लासिफिकेशन डाटा सफिशियंसी ओके एंड देन क्यूब्स एंड ओके दिस इज द सिलेबस अब बात आती है कि सिलेबस के अंदर तो चलो इतना कुछ है तो मुझे ज्यादा फोकस कौन कौन से टॉपिक्स पे करना है तो यहां पे भी अगर हम देखते हैं तो देखिए ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन सेंस कोडिंग एंड डिकोडिंग क्लोक एंड कैलेंडर सिलोजियम हर बार क्वेश्चन आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग न्यूमेरिक सीरीज ओके अब अगर इस वाले पार्शन की मैं बात करूँ तो इसके अंदर थोड़ा सा आपने कंसेप्ट देख लेना बिकॉज Uh, 2017 से पहले पजल काफ़ी ज़्यादा पजल्स एग्जाम के अंदर आती थी बट आजकल जो ये इस तरह के क्वेश्चन है ना दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ डाटा सफिशियंसी जो अरेंजमेंट है वो डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में आ रही है तो डाटा सफिशियंसी वाला जो पार्ट है इसको सभी अच्छे से कर लेंगे यस डाटा सफिशियंसी सभी ने अच्छे से कर लेना। ओके अर्थमेटिक रीजनिंग अर्थमैटिक रीजनिंग दैट मीन्स दीज आर सिंपल वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्थमैटिक कैलकुलेशन ओके तो इस पर भी सभी ने ध्यान देना काउंटिंग फिगर जो है वो कभी एग्जाम रेयरली आ जाती है एग्जाम में आती भी है कभी नहीं आती दैट मीन्स यू कैन स्कीप दिस पार्ट एनालॉगी क्लासिफिकेशन अगेन रेयरली क्वेश्चन कम्स ओके याड डाइसिस इसके अंदर से भी जो टू थाउजेंड एटीन का पेपर था टू थाउजेंड एटीन में आया हुआ था डाइसिस के थ्री क्वेश्चन थे ठीक है बट जो क्यूब है क्यूब काला जो पार्ट है उसमें से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है लाइक like क्या एक क्यूब है उसको हम कट कर रहे हैं और उसको कलर है पोर्शन तो कितने क्यूब्स पे कलर होगा टू कलर वाले कितने होंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उन पर भी प्रैक्टिस करनी है ओके तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है नाउ कम ऑन इंग्लिश यस अगर हम बात करते हैं बेटा इंग्लिश की इंग्लिश के अंदर सिर्फ आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आजकल सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं रीडिंग हैंशन में भी कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे प्रिपेयर करें द थिंग इज वर्ड कि हाँ कैसे प्रिपेयर करना है है ठीक करने के अराउंड आपको मिलेंगे इंग्लिश के डन तो अब उसके अंदर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं एक आपके पास में पैराग्राफ है स्मॉल पैराग्राफ एंड ऑन दैट स्मॉल पैराग्राफ यू हैव ओनली वन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज वर्ड यस इन फ्रेंड्स पे बेस्ड अभी जैसे मैंने आपको बताया टिकल रीजनिंग पार्ट इज कवर इन दिस सेक्शन पहले क्या होता था एक छोटी स्टेटमेंट आ गया आपके पास दो लाइन की और उसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ जाता था कि इन्फ्रेंस क्या होगा कंक्लूजन क्या होगा एज्शन क्या है बट नावे डेज यू हैव ए कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉम्प्रीहेंशन ए क्वेश्चन इज गिवर कि आपको इन्फ्रेंस फाइंड आउट करी या कंक्लूजन बताइए कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है एजम्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है क्वेश्चन क्या हो सकता है करक्ट्स ऑफ द पैसेज टोन ऑफ द पैसेज मैसेज कन्वेड बाई द पैसेज ओके सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर आपने प्रिपरेशन करनी है अगर आपके ये छोट छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर है यस कई बार तो ना जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि एजम्पन और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है जो एग्जामिनर है उसने आपसे कंक्लूजन पूछा आप एजम्पन का आंसर कर रहे हो आपसे अजम्पन पूछा गया एंड यू आर आंसर आंसरिंग द कंक्लूजन तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए सेम वे इन क्या है तो ये जो पॉइंट्स है ये आपने सभी क्लियर करना है इफ़ यू हैव क्लियर ऑल दीज पॉइंट्स देन जो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव के अंदर से मैं कहती हूँ कि हाँ जो फिफ्टीन क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे फिफ्टीन क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो ओके okay? अब देखते हैं कितने कितने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको मिलते हैं तो अगर हम बात करते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बैक जाते हैं के अंदर से आपको एग्जाम के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट यू कैन एक्सपेक्ट ट्वेंटी एट टू थर्टी फाइव क्वेश्चन इट डिपेंड्स अब देखिए जब मैंने कहा यहाँ पे थर्टी फाइव तो माइंड में क्या आएगा यस yes? सिर्फ इसी से ही पेपर क्वालिफाई हो जाएगा अगर मैं सिर्फ ये कर लूँ यस डेफिनेटली हो सकता है अगर आपका ये वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर देन आप कर सकते हो डन बट इट डिपेंड्स हाँ थर्टी तो आप मान के ही चलो कि थर्टी क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे बिकॉज इस बार थर्टी फोर क्वेश्चन थे ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर लास्ट ईयर थर्टी टू क्वेश्चन थे उससे पहले थर्टी फोर क्वेश्चन थे एंड uh, अगर मैं बात करती उससे uh, पहले तो आपका ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड तो इट डिपेंड्स तो मैं ये कह रही हूँ कि थर्टी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस सेक्शन ओके वैन थर्टी क्वेश्चन आर फ्रॉम दिस सेक्शन सेम वे वैन वी कम्स ऑन लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ट्वेंटी टू थर्टी के बीच में आप एक्सपेक्ट ज़्यादातर अभी हो क्या रहा है कि क्वांट का जो सेक्शन है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज़ हो रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के कम हो रहे हैं इस बार सिर्फ एटीन क्वेश्चन थे आपके जो है इसमें से लॉजिकल रीजनिंग के अंदर तो इसलिए डिपेंड करते हैं तो आप यहाँ पे ट्वेंटी जो क्वेश्चन है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसके अंदर से लॉजिकल रीजनिंग अब वही है थोड़ा सा अगर क्वांट के क्वेश्चन इंक्रीज हो गए इन दैट केस लॉजिकल रीजनिंग आपका कम हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग इजी पार्ट है इजी पार्ट है इसलिए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कम हो जाए या फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन अगर इंक्रीज होते हैं तो वहीं पर आपके क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिक्रीज हो जाएंगे ओके यस नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इंग्लिश इंग्लिश के अंदर कॉन्स्टेंट रहते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन और ट्वेंटी फाइव के नियर बाई क्वेश्चन यस नियर बाई ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही चलता है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स के अराउंड क्वेश्चन इंग्लिश के सेक्शन से आपको मिलेंगे ओके सो दिस वॉज कंप्लीट सिलेबस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस सी सैट एग्जाम एंड यू वॉन्ट टू इफ यू टेक सम मोर इन्फॉर्मेशन इन दैट केस यू कैन विजिट ऑन अवर वेबसाइट दैट इज अभिपीडी डॉट अभिमन्यू डॉट कॉम ओके वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द कम्प्लीट कोर्स फॉर सी सेट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ट्रायल अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से उसको अवेल कर सकते हो ओके इसके अलावा जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज देख रहे हैं टेस्ट सीरीज अवेलेबल है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इवन देर आर सम कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ओनली लाइक यू आर लुकिंग फॉर द नंबर सिस्टम यू आर लुकिंग फॉर सिलोजियम यू आर लुकिंग फॉर ओल्ड रैंड रैंकिंग ओके तो इस तरह से सिंगल सिंगल टॉपिक से जो प्रिपेयर कर रहे हैं दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल आप चेक कर सकते हो माइक्रो कोर्सेज को सो ऑल द इम्पोर्टेंट लिंक्स आर गिवर इन द डिस्क्रिप्शन एक बार सभी ने एक्सप्लोर जरूर करना है ओके सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फोर टूडे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के थैंक यू